हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर, और बने रहिए आप मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैं जा रही हूँ डाक खाने। आज मैं अकेली जा रही हूँ, अकेली नहीं, कार्तिक बोल रहा है चल मैं चलता हूँ मम्मी, ज़्यादा दूर तो है डाक खाना, तो कार्तिक मेरे साथ जा रहा है। तो चलिए डाक खाने चलते हैं पहले, फिर आपसे बात करेंगे आगे। लकी चैनल बंद कर दे कार्तिक, लकी कार्तिक नाम दोनों के निकले हैं। चलो 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 चैनल बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दिए। तो हम आ चुके हैं डाक खाने, कार्तिक मेरे साथ है, कार्तिक अपने आपको। और यहाँ आ गई हूँ मैं डाक खाने, और डाक खाने में बहुत दिन में आई हूँ, 2-3 महीने हो गए जो मैं आ नहीं पा रही थी। तो पता नहीं क्या आता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है, फिर भी जा नहीं जाता। और मैं वापस आ रही हूँ, और कार्तिक बना रहा है मेरी वीडियो। मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने राजमा उड़द उबाल लिया है, अब बना लेते हैं दाल चावल। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं तेल डाल दूँ। तेल उसी पर है, जीरा डाल दिया, थोड़ा हींग डाल दिया, इसमें मैंने ग्रेटर किया है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज। टमाटर डाल दूंगी, टमाटर मैंने ग्रेटर किया हुआ है। वैसे तो मैंने हरी डाली हुई है, पर थोड़ी ही डाल दूंगी लाल मिर्च की। नमक हल्दी सब बोलते हुए डाल दिया, थोड़ा सा थोड़ा मैं मक्खन डाल दूंगी इसमें, अच्छा रहेगा, चिल्ली चिल्ली की दाल बन जाएगी। तो दाल मेरी बनकर तैयार हो गई है, और मैं डाल दूंगी इसमें हरा धनिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल। और ये चावल मैंने भिगो के रखे थे, और
आ जाइए, हमारे दाल चावल तैयार हैं, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए दाल चावल सलाद। और यहाँ आ गई हूँ मैं पार्लर। पार्लर में थ्रेडिंग बनवाने के लिए आई हूँ, तो मैं लक्की को बोल रही थी, लक्की चल मेरे साथ थ्रेडिंग बनवानी है। तो लक्की बोल रहा था, मम्मी कहाँ जाना है? मैंने कहा कहीं जाना नहीं है, बस वैसे ही बनवानी है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो कह रही, नहीं मम्मी आपको कहीं जाना है? मैंने कहीं नहीं जाना। और मैं यहाँ पर फिर थोड़े से बाल भी कटवाने लगी अपने, क्योंकि बाल मेरे पूरे झड़ चुके हैं और इतने बेकार हो गए हैं ना बाल, बहुत ज़्यादा बहुत बारीक बाल हो गए हैं, पूरे झड़ चुके हैं। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े से मेरे बाल भी काट दो, क्योंकि ना तो इनकी चोटी बन पा रही थी, ना पोनी बन पा रही थी, कुछ नहीं बन पा रही थी। बारीक बारीक से बारीक रबड़ भी डाल दी थी ना, वो भी एकदम नीचे निकल जाती थी। मैंने कहा थोड़े से ना बालों की कटिंग भी कर दो, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बालों की कटिंग भी करा रही थी। और एक कमेंट में जो बहुत प्यारा लगा था, तो कहा उन्होंने बोला था कि आप ना खुश रहा करो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगला जन्म पता नहीं किस रूप में मिले। तो सही है, उनका कमेंट मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। मैंने कहा हाँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी रो धो के टेंशन डिप्रेशन में काट दी है, तो सही बात है, अब मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहा करूँगी। और जो किस्मत में लिखा है वो तो होके रहता है, किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी बस रो धो के ही काट दी। तो वही खुश रहने की कोशिश क्या करेंगे अब। तो मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग भी करा ली है, तो बहुत ही प्यारा कमेंट था उनका, सही है। तो देखो मेरी कटिंग हो चुकी है और थोड़े से मोटे से लगे हैं, वरना बहुत ही बारीक हो चुके थे। नहीं ऐसे ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं, थोड़ी सी बनाओ। तो हम घर के लिए रवाना हो गए हैं, सामान थोड़ा बहुत खरीद लिया है, भगवान जी के लिए खरीदा है। और तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो मैं घर पे आ गई हूँ मार्केट से, मार्केट गई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए गई थी, थोड़ा सा भगवान जी का सामान लाई खरीद के, थोड़ा ही है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या क्या लाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही है। चलो आपको भी दिखा देते हैं क्या क्या लाई हूँ अभी अभी। देखो एक मैं ही लाई हूँ, राम मंदिर, अयोध्या का मंदिर, बहुत प्यारा लगा था मुझे, बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये ले लिया है। खोल कर दिखाती हूँ। राम मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा ही है। और ये आसन लेकर आई हूँ जिस पे हम इसका इसको राम मंदिर में चक्की बिछाएंगे। एक लाइन ये तो बहुत बड़ा है, तो पूरी मेज पे आएगा, ये तो बहुत बड़ा है, पूरी मेज पे आएगा, मेजे बिछाएंगे उस दिन। ये धूपबत्ती लाई हूँ, ये धूपबत्ती बहुत अच्छी है, ये ऐसा है लास्ट तक जलती है, ये खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी धूपबत्ती है, चंदन की है। ये लकी लकी माला लाया है, मम्मी पापा की चेंज करेंगे माला, ये दुकान के लिए लाया लकी। प्रेम दुल्हन मेहंदी जो मैं लगाती हूँ वो है, और कुछ नहीं, बस यही है और कुछ नहीं, यही मेरी शॉपिंग होती है थोड़ी सी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कल
कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रात हो रही है, गुड नाइट, बाय बाय।